आप लोगों ने कई लोगों को सुना होगा कि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो अपना दाहिना पैर सबसे पहले बाहर रखते हैं, नहीं तो जो काम वो करने जा रहे होते हैं वो बिगड़ जाता है। सो वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेस। आज हम ऐसे ही ऑब्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। आयुर्वेदा की भाषा में इसे बोलते हैं अतत्व भिनिवेश। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। एंड इस चैनल के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डू विजिट अस देयर। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अतत्व अभिनिवेश के बारे में। यह एक मनोवय स्रोतस की व्याधि है। अगर आप मनोवय स्रोतस का परिचय जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अतत्व अभिनिवेश को मॉडर्न में ऑब्सेसिव डिसऑर्डर से रिलेट किया जाता है। ऑब्सेसिव डिसऑर्डर की डेफिनेशन इस प्रकार है, इट इज़ एन ऑब्सेसिव थिंकिंग विच इज़ द इनएबिलिटी टू गेन कंट्रोल ओवर रिपीटेटिव डिस्ट्रेसिंग थॉट्स, इमेजेस, अर्जेस और एक्शंस दैट द पेशेंट इज अनेबल टू स्टॉप। दिस प्रोसेस मे बी माइल्डली डिस्ट्रैक्टिंग और अटरली एब्जॉर्बिंग। तो दोस्तों ऑब्सेसिव डिसऑर्डर में जो पेशेंट है उसका अपने ही जो थॉट्स हैं, विचार हैं और जो इमेजेस उसके बार बार दिमाग में आते हैं, कुछ अर्जेस या एक्शंस वो लेना चाहता है तो उसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं रख पाता है। जैसे दोस्तों पेशेंट को लगेगा कि रूम लॉक है या नहीं है, किचन का गैस कहीं खुला तो नहीं रह गया है, तो यह चेक करने के लिए वो बार बार जाता है और इस थॉट पे उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इसका एक और एग्जाम्पल हैंड वॉशिंग है कि वह बार बार हाइजीन का ध्यान रख के हैंड वॉश करता रहता है। तो दोस्तों अगर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, तो अगर आपने हमशक्ल्स देखी है तो उसमें राम कपूर जो होता है उसको भी यही डिसऑर्डर होता है कि वो बार बार हाइजीन का ध्यान रखता है और बार बार हाथ अपने धोता रहता है। दोस्तों नहीं, आप ऐसे मत देखो, मैंने हमशक्ल्स नहीं देखी है, बस कुछ सीन्स याद थे तो वो एग्जाम्पल मुझे याद आ गया है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अतत्व अभिनिवेश के बारे में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो दोस्तों चरक संहिता चिकित्सा स्थान के 10वें अध्याय दैट इज अपस्मार चिकित्सा अध्याय में अतत्व अभिनिवेश का वर्णन किया है। दोस्तों यहाँ पे तत्व जो शब्द है उसका अर्थ होता है सत्य, वास्तविक या हितकर बात, और इसके विपरीत को हम अतत्व बोलते हैं। तो यह व्याधि में जो असत्य और अवास्तविक है वह रोगी को सत्य या वास्तविक लगने लगता है और रोगी की बुद्धि, स्मृति और धैर्य का नाश हो जाता है। जैसे कि इसमें रोगी को जो नित्य है वह अनित्य लगता है, जो नित्य है अनित्य है वो नित्य लगता है, जबकि जो उसके हितकर है वो अहितकर लगता है और जो अहितकर है उसे वह हितकर समझता है। दोस्तों आचार्य चरक ने अतत्व अभिनिवेश को महागद भी कहा है। महागद का अर्थ है ग्रुप ऑफ डिजीजेस दैट इज इनक्योरेबल ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इसका अर्थ यह है कि वो बीमारियाँ जो कि जिनकी चिकित्सा असंभव है क्योंकि उसके बहुत सारे उपद्रव हो जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं अतत्व अभिनिवेश के निदान। पहला है मलिन, अपवित्र या अपथ्यकर आहार का सेवन। तो दोस्तों जो गंदा है या फिर जो अपथ्य है, जो पचता नहीं है या फिर जो अपवित्र है, ऐसे खाने का अगर हम सेवन करते हैं तो उससे अतत्व अभिनिवेश हो सकता है। दूसरा है अधारणीय वेगों को धारण करना। अगर हम वो 13 अधारणीय वेग जो कि चरक ने बताए हैं उनका धारण करते हैं तो भी यह रोग हो सकता है। थर्ड है मनःक्षोभ, इसका अर्थ है अत्यंत दुखी होना। इन तीन निदानों के अलावा अगर हम शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष आदि विरुद्ध गुणों से युक्त पदार्थ का सेवन करते हैं तो भी यह रोग होने की संभावना रहती है। दोस्तों आइए अब चलिए देखते हैं अतत्व अभिनिवेश के संप्राप्ति घटक क्या हैं। पहला है दोष, जो कि इसमें वात, पित्त, कफ, वरज और तम, ये पांचों दोष प्रकोपित रहते हैं। इसका दुष्य है बुद्धि एवं स्मृति। अधिष्ठान है इसका, बुद्धि का अधिष्ठान हृदय अर्थात मस्तिष्क। जो बुद्धि का अधिष्ठान है उसे मस्तिष्क भी कहते हैं। स्रोतस है मनोवह, कुछ आचार्य संज्ञा व स्रोतस भी मानते हैं।
दृष्टि प्रकार है वे मार्ग गमन या संग, और इसका व्याधि स्वभाव है चीरकारी। दोस्तों नेक्स्ट ऑन द राइट हैंड साइड अब हम देखते हैं अतत्व अभिनिवेश के प्रमुख लक्षण। तो पहला है इसमें कि विषम बुद्धि का होना, मतलब कि उल्टी बुद्धि, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं। दूसरा है रोगी नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य समझता है, और वैसे ही हित को अहित मानता है और अहित को हित समझता है। तीसरा है रोगी अपने बात पर हट करने लगता है, मतलब कि जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। तो दोस्तों यह था अतत्व अभिनिवेश का परिचय, उसके निदान, संप्राप्ति घटक और उसके प्रमुख लक्षण। दोस्तों अब हम देखते हैं इस व्याधि का संप्राप्ति चक्र। तो दोस्तों जो निदान बताए गए हैं उनका सेवन करने से, और रज और तम दोष का प्रवर्ध व्यक्ति अगर वह होता है, अर्थात अगर रज और तम दोष उसमें पहले से ही प्रकोपित है, तो इन दोनों से जो बात आती शारीरिक दोष है वो प्रकोपित हो जाते हैं। अब दोस्तों प्रकोपित शारीरिक दोष और मानसिक दोष रज और तम इनको अधिक प्रकोपित कर देते हैं। अब दोस्तों वात पित्त कफ शारीरिक दोष मानसिक दोष रज और तम से आवृत होकर, मतलब कि ढक कर बुद्धि का स्थान हृदय, जिसका अर्थ है मस्तिष्क, उसमें स्थान संचय कर लेते हैं, लोकेट हो जाते हैं, मतलब कि अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद वह मनोवय एवं संज्ञा व स्रोतसों का अवरोध कर देते हैं, जिससे कि बुद्धि विभ्रम हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य नित्य और अनित्य के विचार में शून्य हो जाता है, और इसी से बनता है हमारा अतत्व अभिनिवेश रोग। तो दोस्तों यह था अतत्व अभिनिवेश का संप्राप्ति चक्र। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे हम आपके लिए वीडियोज़ बना सकें।